बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर हमने एक्सरसाइज 13A जो है उसे सॉल्व किया था। वहाँ पे हमने सीखा था कि किस तरह से लाइन को बाइसेक्ट करते हैं, लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर किस तरह ड्रा करते हैं, या फिर एंगल किस तरह कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है। और आज हमने देखना है कि लेंथ दी गई हो तो ट्राइंगल किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, या फिर कुछ लेंथ और एंगल दिए गए हों तो ट्रायंगल को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए है एक्सरसाइज 13B। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, पार्ट नंबर 1 इसका, कि मेजर ए बी, लेंथ जो है ए बी की 8 सेंटीमीटर हो, बी सी की 6 सेंटीमीटर हो, ए सी की 4 सेंटीमीटर हो, साइड्स की लेंथ दी हुई है, ठीक है। हमने ट्राइंगल यहाँ पे बनानी है। सबसे पहले जो हम ए बी है 8 सेंटीमीटर एक लाइन ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने अपनी जो कंपास है उसे ओपन करना है। ऐसे स्केल और कंपास हम ले लेंगे तो हमारी जो दूसरी ए बी हमने 8 सेंटीमीटर लाइन ले ली है। अब यहाँ देखें बी है तो बी के सामने जो थर्ड पॉइंट होगा वो हमारा सी का होगा। इसी तरह बी सी यानी कि बी कॉर्नर पे रख के जो हमने आर्क लेना है वो कितने सेंटीमीटर का होगा, 6 का। इस तरह से आपने अपनी कंपास ओपन कर लेनी है 6 की, ठीक है। और बी पे इस तरह बी को सेंटर लेते हुए आपने एक आर्क ऐसे लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ए सी, सी तो यहीं रहेगा ए पे। अब ए को सेंटर लेना है और 4 सेंटीमीटर की आपने अपनी कंपास ओपन करनी है। और इसी तरह से ए को सेंटर लेते हुए आपने एक आर्क ड्रा करना है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ये देखें पीछे वाला आर्क अगले आर्क को, ठीक है। फिर हमने जहाँ पे ये क्रॉस फॉर्म बनती है ऐसे आर्क, जब ऐसे मैच होंगे ये वाला जो पॉइंट है हमने इनको मैच कर देना है, ठीक है। शक्ल जो भी बने ट्रायंगल की हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने इन्हें आपस में मिला देना है। मिलाने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो शेप बन गई है वो कौन सी है, ट्रायंगल की। तो यही हमने कंस्ट्रक्ट करना था। इसके बाद हमने स्टेप्स राइट करने हैं। स्टेप आप पहले की तरह ही राइट करेंगे कि हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रा की थी ए बी कितने सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने बी को सेंटर लिया था और हमने जो है आर्क ड्रा किया था, रेडियस लिया था हमने 6 सेंटीमीटर और वो पॉइंट हमारा बन गया था सी। फिर इसके बाद हमने ए को सेंटर लिया था और हमने आर्क ड्रा किया था, रेडियस लिया था हमने 4 सेंटीमीटर। जब हमने 4 सेंटीमीटर ड्रा किया तो उसने प्रीवियस जो आर्क था, पिछला जो आर्क था उसको कट किया कौन से पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। उसके बाद हमने सी को ज्वाइन किया ए के साथ और सी को ही ज्वाइन किया बी के साथ। तो देखें यहाँ पे विद बी एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, फिर विद ए एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क विद रेडियस 4 सेंटीमीटर विच कट्स एट पॉइंट सी, ठीक है। फिर ज्वाइन सी टू ए एंड बी, दिस इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी। नेक्स्ट इसका पार्ट है हमारे पास ए बी हमने 10 सेंटीमीटर लेनी है, बी सी 5 सेंटीमीटर और ए सी 8 सेंटीमीटर। अब हमने जो लाइन ड्रा करनी है वो 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। बी पे जो हमने आर्क लगाना है वो 5 सेंटीमीटर की हमने कंपास ओपन करनी है, और आर्क लगाना है जो हमने ए पे रख के आर्क लगाना है वो 8 सेंटीमीटर की ओपन करनी है। इसी तरह से ये कता करेंगे एक दूसरे को और इसी पॉइंट को हम मैच कर देंगे। इसके स्टेप भी हमने वैसे ही राइट करने हैं कि ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विद बी एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क 5 सेंटीमीटर, विद ए एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क विद रेडियस 8 सेंटीमीटर विच कट्स एट पॉइंट सी, फिर ज्वाइन सी टू ए एंड बी, दिस इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं मैंने राइट कर दिए हैं। पार्ट नंबर 3 में लाइन लेंगे 9 सेंटीमीटर की, बी पे आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का और ए पे रख के आर्क लगाएंगे 12 सेंटीमीटर का। तो उसे आप मैच कर देंगे, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। पार्ट नंबर 4 चेंज था इसलिए मैंने किया है। इसमें 2 साइड्स और 1 एंगल दिया हुआ है, तो इस तरह कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ट्राइंगल। देखें जो ए बी लेंथ दी हुई है उसके आपने एक लाइन ड्रा कर लेनी है ऐसे। अब एक एंगल है, एक और साइड है, बी पे आपने अपनी प्रोटेक्टर को रख के 60 का डॉट लेना है।
अब इस लाइन को हम जितना भी एक्सटेंड करते जाएं, बढ़ाते जाएं, ये 60 का ही एंगल रहेगा, ठीक है। 60 का एंगल आपने ले लिया, इसी ही लाइन पे आपने 9 का जो है बी सी, देखें एंगल भी बी पे है और कट भी जो है आपका आर्क भी जो है वो बी पे ही है। तो 9 सेंटीमीटर की आपने कंपास अपनी ओपन करके आर्क भी यही लगाना है। ये एंगल का डॉट है, ये आर्क है, आर्क से हम मैच करते हैं, एंगल के डॉट से मैच नहीं करेंगे, ठीक है। तो आर्क जहां पे कट कर रहा है इस लाइन को, उसी पॉइंट को आपने ए से मैच कर देना है। इसी तरह हमने सबसे पहले इसमें किया था, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर, उसके बाद हमने बी पे कंस्ट्रक्ट किया था एंगल कितने का, 60 डिग्री का, फिर हमने बी को ही सेंटर लिया था और हमने आर्क लगाया था, रेडियस कितना था 9 सेंटीमीटर, ठीक है। विच कट एट पॉइंट सी, सी पे इसने कट किया था, फिर हमने सी को ज्वाइन कर दिया था किसके साथ, ए के साथ, और यही हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल, ऐसी डायग्राम जिसकी 3 साइड्स जो हैं वो सेम हो। तो इसमें हमें सिर्फ एक ही लेंथ दी जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल बनानी है और उसकी 3 साइड्स सेम होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक मेजरमेंट्स, एक लेंथ दी हुई है, ए बी 12 सेंटीमीटर। तो हमने 12 की लाइन ले लेनी है और हमने आर्क भी 12 के लेने हैं, क्योंकि इक्विलेटरल है ट्राइंगल, ठीक है। इसमें 3 साइड्स भी सेम होंगी, जैसे साइड्स हमारे पास 12 सेंटीमीटर आ रही हैं, इसके 3 एंगल्स भी सेम होंगे और वो 60-60 के होंगे। तो हमने 12 की सबसे पहले एक लाइन ली है 12 सेंटीमीटर ए बी, फिर हमने बी को सेंटर लिया है, आर्क लगाया है, रेडियस लिया है हमने 12 सेंटीमीटर का, इधर रख के कंपास को हमने 12 का आर्क लगाया, ठीक है। फिर हमने ए को सेंटर लिया, आर्क लगाया विद रेडियस 12 सेंटीमीटर। अब ए को सेंटर रखा है और आर्क लगाया है 12 सेंटीमीटर, ये वाला जिसने कट किया है प्रीवियस आर्क को कौन से पॉइंट पे, सी पे, ठीक है। इसकी मैंने कंस्ट्रक्शंस नहीं लिखी, क्योंकि आप खुद राइट करेंगे, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सेकेंड होगा विद बी एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क विद रेडियस 12 सेंटीमीटर, थर्ड होगा विद ए एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क 12 सेंटीमीटर विच कट्स एट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी, फिर हम फोर्थ लिखेंगे ज्वाइन सी टू ए एंड सी टू बी, यानी कि लिखेंगे ज्वाइन सी टू ए एंड बी विच इज रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। उसके बाद हमारे पास आ रहा है इसका सेकेंड पार्ट, मेयर ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमने 12 ली हैं, आपने यहाँ पे 8 की करके बनानी है, 8 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे, 8 के ही आर्क होंगे और मैच कर देंगे, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। सेम ऐसे ही इसके कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, उसमें चेंज आ रहा था एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हमने सी डी लेना है 10 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड हमारे पास एक अमूद, जिस तरह ये एक लाइन मैंने लगाई हुई है स्ट्रेट, बिल्कुल अमूदी ऊपर खड़ी हुई, इसी तरह से आपने लगाना होता है एल्टीट्यूड ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। उसके लिए हमें एक लाइन चाहिए और हमारी मर्जी है हम जितनी भी लाइन ले लें, लेकिन एल्टीट्यूड से ज़्यादा की लेते हैं हम लाइन। मैंने यहाँ पे ले ली है 12 सेंटीमीटर, आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, याद रहे कि 10 से कम नहीं लेनी। 12 सेंटीमीटर की मैंने लाइन ली है, 12 का हाफ यानी 6 पे मैंने डॉट ले लिया है, ठीक है। जो मैंने लाइन ली है ए और जी, ए और बी पॉइंट हैं इसके, और जो मैंने हाफ लिया है मिड पॉइंट है वो हमारा डी है। अब मैंने अपनी कंपास को एल्टीट्यूड कितना है 10 सेंटीमीटर ओपन किया है, डी पे रख के ऐसे मैंने आर्क लगाया एक, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट, और वहाँ से एक लाइन पास कर दिया है जो लाइन है डी और सी। इसके बाद हमने इस पॉइंट पे 30 के एंगल ड्रा करने हैं, इस साइड पे भी इस पे भी। अब हम अपने D को इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे, इस पॉइंट पे नीचे की तरफ देखेंगे 30, ठीक है, ऐसे आएंगे डॉट और इन्हीं को ऐसे इस लाइन तक मैच करवा देंगे, ठीक है। ये हमने 10 सेंटीमीटर का आर्क लिया था और जहाँ पे ये हमने लाइन मैच किया इस पॉइंट को E का नेम दिया है। देखें इसकी कंस्ट्रक्शन भी हमने ऐसे ही राइट करनी है, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 12 सेंटीमीटर या फिर एनी लेंथ जो आप ले रहे हैं वो लिखेंगे। फिर हमने एक पॉइंट मार्क किया था डी, किस पे, ए बी पे, मार्क का पॉइंट डी ऑन ए बी।
फिर हमने डी को सेंटर लिया था और हमने आर्क लगाया था रेडियस ए के 10 सेंटीमीटर का, जिसने कट किया था पॉइंट सी को, क्योंकि सी हमने पहले ही लगाई हुई थी। अच्छा, उसके बाद है ड्रा एंगल, हमने नहीं सॉरी ड्रा सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। सी डी जो था वो परपेंडिकुलर था किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। उसके बाद हमने दो एंगल ड्रा किए थे, ड्रा एंगल डी ई जी भी 30 का और डी ई ए या डी ई एफ जो है वो भी 30 का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये बन गई थी ट्राइंगल ई एफ और जी। देखिए ये ट्राइंगल बन गई है, ई एफ जी इज रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसमें भी हमने इक्विलेटरल ही काम जो है वो करना था, ऐसे ही ये ड्रा हो गई है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, इसका एल्टीट्यूड सी डी 15। अब ये जो लाइन हमने 10 लिया, ये आपने 15 लेनी है। आप 17 की लाइन लगा लें, 1 सेंटीमीटर छोड़ दें, उसके बाद यही काम करना स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 4 में हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल तीनों साइड सेम, और 5 में हमने आइसोसेलस ट्राइंगल यानी कि टू साइड्स सेम। जब 3 साइड सेम थी, 3 एंगल्स भी सेम थे, जब 2 साइड सेम है तो 2 एंगल्स भी सेम होंगे। तो यहाँ पे देखें लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर की हमने लाइन ले लेनी है और एक एंगल दिया हुआ है 65। आइसोसेलस के बेस एंगल जो हैं वो दोनों सेम होते हैं, हम जानते हैं पहले से ये बात। इसी तरह आपने ए पे भी अपनी प्रोटेक्टर रखते हुए 65 का डॉट लेना है, ठीक है। वी पे भी इन लाइंस को इतना एक्सटेंड करना है कि एक पॉइंट ऐसा है जहाँ ये कट कर रही हूँ, ठीक है, ऐसे। अब बेस एंगल आप देख सकते हैं ये सेम है, तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी, आइसोसेलस ट्राइंगल होगी। स्टेप्स राइट करेंगे, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, कंस्ट्रक्ट मेयर एंगल ए इज इक्वल टू 65, कंस्ट्रक्ट मेयर एंगल बी इज इक्वल टू 65, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंड द आर्म्स ऑफ देयर एंगल, उसके बाद हमने इनकी आर्म्स को एक्सटेंड कर लिया, बढ़ा लिया, विच कट्स पॉइंट सी। एक पॉइंट ऐसा आया जिस पे इन्होंने कट किया और वो पॉइंट था सी। ट्राइंगल ए बी सी इज रिक्वायर्ड आइसोसेलस ट्राइंगल, जो हमारी ट्राइंगल बन गई है यही हमें रिक्वायर्ड थी और ये है आइसोसेलस ट्राइंगल, ठीक है। इसके बाकी पार्ट्स मैंने राइट कर दिए हैं, ए बी हम ले लेंगे 7 सेंटीमीटर और एंगल आप 65 की बजाय 55 के ड्रा करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शंस भी सेम ऐसी होंगी। पार्ट नंबर 5, 7 और 9 इसी तरह से ये सारे पार्ट जो बाकी रह गए आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी लेंथ लेनी है 3 सेंटीमीटर की, बी सी लेनी है 4 सेंटीमीटर की और एंगल ड्रा करना है 30 का। अब ए बी हम लाइन ले लेंगे 3 सेंटीमीटर की, ठीक है, इधर ही हमने 30 का एंगल ड्रा करना है और आर्क भी हमने इधर लेना है 4 का, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आर्क आएगा ये डॉट है हमारा एंगल का और ये ऐसे मैच हो जाएगी, जिस तरह की भी शेप मर्जी बने, ठीक है। अब हम लाइन ले लेते हैं कितने सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ए बी हमने लाइन ले ली 3 सेंटीमीटर, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने कंस्ट्रक्ट किया मेयर एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो नेक्स्ट हमारे पास हमने कंस्ट्रक्ट किया था बी पे एंगल कितने का, 30 डिग्री का। तो कंस्ट्रक्ट मेयर एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। और हमने फिर किया था विद बी एज ए सेंटर ड्रा एन आर्क विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो हमने रेडियस लिया था और आर्क लगाया था, रेडियस लिया था हमने 4 सेंटीमीटर और आर्क लगाया था हमने 4 का, किस पॉइंट पे, बी पे। बी पे ही हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया और बी पे ही हमने आर्क लगाया 4 का, ठीक है। इसी तरह फिर हमने ज्वाइन कर दिया सी को डी से, सी को ए से और बी से, ज्वाइन सी टू ए एंड बी। तो 5 पॉइंट हो जाएगा, दिस इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। कौन सी ट्राइंगल इक्विलेटरल, मीन्स के तीनों साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की ही लेना होंगी। यहाँ तक आपका काम है सेम, ठीक है। हमने लाइन ले लेनी है 5 सेंटीमीटर की, बी को सेंटर लेना है 5 का आर्क लेंगे, ए को सेंटर लेना है 5 का आर्क लेंगे। उसके बाद मार्क द मिड पॉइंट डी ऑफ ए बी सी, बी सी जो लाइन है इस पे मिड पॉइंट, मीन्स अगर हमने 5 का आर्क लिया है तो 5 का मिड पॉइंट होगा 2.5। तो 2.5 पे हमने डॉट ले लिया और उस पॉइंट को नाम देना है आपने डी का। फिर है ज्वाइन ए टू डी,
ए को आपने डी से मैच करना है, फिर फाइंड करना है साइज ऑफ एंगल ए डी बी, जो ए डी बी एंगल बना है वो कितने डिग्री का है, ठीक है। इस तरह से हमने आंसर करना है। तो हमने लाइन ले ली है 5 सेंटीमीटर की, बी को सेंटर लिया, आर्क लगाया, रेडियस लिया हमने 5 सेंटीमीटर का, ए को सेंटर लिया, आर्क लगाया, रेडियस लेके 5 सेंटीमीटर का, फिर हमने बी सी जो थी वहाँ पे एक मिड पॉइंट लिया, वो आ जाएगा 2.5, फिर हमने ए को डी से मैच किया, उसके बाद हमने सी को ए और सी को बी से मैच कर दिया। तो हमने देखा कि हमारे पास एंगल जो ए डी बी बन रहा है, इसे आप कैंसिल कर दें तो यहाँ से कौन सा एंगल है 90 का, तो यही हमने आंसर करना था। स्टेप्स हम राइट करेंगे, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर विद बी एज ए सेंटर, ड्रा एन आर्क विद रेडियस 5 सेंटीमीटर विद ए एज ए सेंटर, ड्रा एन आर्क विद रेडियस 5 सेंटीमीटर विद कट्स एट पॉइंट सी, बी को सेंटर लेके जो हमने आर्क लगाया, फिर ए को सेंटर लेके आर्क लगाया, उसने पिछले वाले आर्क को कट किया कौन से पॉइंट पे, सी पे, फिर हमने एक पॉइंट लिया था डी, कौन सी लाइन पे, बी सी पे, मार्क का पॉइंट डी ऑन बी सी, फिर ज्वाइन किया था सी को ए से और सी को डी से, ज्वाइन सी टू ए एंड बी, दिस इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल ए बी सी, लेकिन हमने एंगल फाइंड करना था डी ए बी, तो एंगल हमने देखा कौन सा है 90 का है। इसके साथ ही हमारा सिलेबस जो है वो एंड हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट देने हैं अच्छे से अच्छे, ताकि आप L1 में भी है जो है अच्छी प्रिपरेशन दिखा सकें अपने, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।